टीवी प्रोग्राम बेगम नवाजिश अली से शोहरत पाने वाले फनकार अली सलीम ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची पर कादियानियों से करीबी तल्लुकात का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि बेनजीर भुट्टो के बारे में ट्वीट पैगाम सिंथिया का अपना नहीं है बल्कि एक इंजीनियर्ड और डिक्टेट किया गया ट्वीट है। अली सलीम न्यूयॉर्क में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं मलिक खालिद अवान, सलमान बट, जफर चट्ठा और राजा असद के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अली सलीम ने कहा कि सिंथिया ने अपने हालिया दौरा अमरीका के दौरान कादियानियों के एक सेंटर में कयाम किया। मारूफ टीवी स्टार के बकौल सेंटर से सिंथिया उसके कमरे में मुंतकिल हुई जहां वो दो हफ्ते तक रही। पाक वतन टीवी के इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि उनकी सिंथिया के साथ एक बिस्तर पर सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना था कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं क्योंकि इसके लिए जो कुछ देना पड़ता है वो नहीं दे सकते। मौका मिला तो पाकिस्तान में सियासत करेंगे जी। मैं मौका सियासत का नहीं है, मैं हमेशा अपनी आवाज उठाता रहूंगा और जहां तक आपने मुझसे बात की मौका मिला तो मौका देने वालों की मौका लेने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, वो मैं देने के लिए तैयार नहीं। अली सलीम का कहना था कि सिंथिया रिची को शुगर गंदम स्कैंडल्स और बिगड़ते हुए मुल्की हालात से अवामी तवज्जो हटाने के लिए लॉन्च किया गया है। उनके बकौल सिंथिया रिची ड्रामा मुल्क में मार्शल लॉ के लिए राह हमवार करने का नुक्ता आगाज भी हो सकता है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की क्यादत को खबरदार किया कि अगर सिंथिया आज बेनजीर भुट्टो या नून लीग के खिलाफ बोल रही है तो कल उनकी वीडियोस और तस्वीर भी जारी कर सकती है। अली सलीम ने कहा कि अगर सिंथिया पाकिस्तान में एक एनजीओ के लिए काम करने आई थी तो उसका पाकिस्तान की सियासी क्यादत और मुक्तदर हलकों से क्या लेना देना था। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा किया कि तहकीकात की जाए कि सिंथिया किसके लिए काम करती है, कहां कहां जा चुकी है और उसके जराए आमदन क्या हैं। अली सलीम का कहना था कि सिंथिया भोली काकी नहीं, एक समझदार औरत है और उसकी हरकत पर हमें चुकन्ना रहना होगा। एक सवाल के जवाब में अली सलीम ने कहा कि अगर सिंथिया के पास उसके मजरों की वीडियोज है तो सामने लाए क्योंकि वो मशहूर होना चाहता है। आखिरी बात कि जब यही इल्जाम आप पे उन्हें का जो लगा दिए हैं उधर आपका कहे कि मैं प्रूफ देती हूँ तो कोई डॉक्यूमेंट्री कोई टेक्स्ट जैसे आप दे रहे हैं जी, आप क्या इसका जवाब देंगे? मैं यकीनन उनको कहूंगा कि अगर उनके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है, अभी तो उन्होंने ये मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैं टंडोवाला यार और मिठियारी में पीपल्स पार्टी की कुछ क्यादत के घरों में नाश्ता था, तो बेशक वो नाश मेरे पेश कर दें प्लीज। वो मेरे मुजरे तो होंगे ना किसी टेबल बॉर्डर पे, पेश करें ना, वो भी नहीं हो सकते, प्लीज पेश करें मेरे मुजरे, उनको यूट्यूब पे लॉन्च करें ताकि मुझे भी मिले तो भाई प्लीज मुझे फेमस होना है। थैंक यू। अली सलीम ने मजीद कहा कि सिंथिया पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रही है। उनके बकौल सिंथिया ने चंद दिन कबल उन्हें ट्वीट किया कि आपने क्या बातें की हैं, कम अज कम उसे मशवरा कर लेते, मैंने इस ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया। अली सलीम ने कहा कि उनका सिंथिया के साथ क्या ताल्लुक था, आया वो इकट्ठे रहते थे या शराब पीते थे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि सिंथिया को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है।